Congress leader Jeetu Patwari has criticized the BJP government in Madhya Pradesh over the ongoing fertilizer shortage, claiming that farmers are struggling while BJP members are involved in black marketing. Patwari questioned BJP leader V.D. Sharma's claim that there is no fertilizer shortage, urging him to clarify how much fertilizer and DAP has actually been delivered to the state. Patwari also addressed the issue of nursing colleges, asserting that only 200 out of the expected colleges have been filled, and reaffirmed that the allegations against the government are accurate. He demanded action against ministers involved in corruption, emphasizing that the constitution upholds national unity, which he claims the BJP is undermining with divisive rhetoric. Mohan bhaiya को भैया बोले, मोहन प्यारे बोले, और भी कोई नाम दे, वो उनकी इच्छा। मैं मानता हूँ कि 3000 रुपये की बात हुई थी, 1200 रुपये तो उनके साथ धोखा हो रहा है। आपने शिवराज जी के, मैं 50 वीडियो आपको बता देता हूँ, आपके भी पब्लिक डोमेन में होंगे, उन्होंने 3000 की बात की थी। अब ये 1200 बार बार दे के 25 करोड़ के विज्ञापन दे के ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहनों को धोखा दे रहे हैं? बहनें समझ रही है, अभी दोनों चुनाव में इसका उत्तर देगी। नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूँ कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह बीजेपी के लोगों ने कहीं ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों की खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना, उनके नेचर का हिस्सा, नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे बीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। बीडी शर्मा जी अपनी पार्टी का हिसाब ये दे कि आपने इतने विधायकों की दल बदल कराई, एक विधायक को वो निर्मला सप्रे, वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है, क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लिखवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। तो ये मैसेज क्या है? सीबीआई ने लंबी करप्शन की एक फेरिस्ट के बाद ये निर्णय लिया कि 200 ही कॉलेज नर्सिंग के लिए नॉमिनेशन फिलफुल करते हैं। इसका मतलब जो हम आरोप लगा रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्लियर हो गया। जिस मंत्री ने उनको क्लीन चिट दी थी, जिस मंत्री के कार्यकाल में क्लीन चिट हुई, जिस अधिकारियों ने रिश्वत में लेन देन किया, कहाँ से उनके फ़ोन ट्रेस, फ़ोन के कॉल की डिटेलिंग सार्वजनिक करनी चाहिए सीबीआई को, कि किन लोगों ने कहा था एलिजिबल है ये कॉलेज, वो दोषी है, अपराधी है? फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सीबीआई ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि जो सरकार की व्यवस्था थी वो अपराधीकरण की भेंट चढ़ चुकी थी। तो जिन जिन लोगों ने अपराध किया, जो जो इसमें पूरी साइकिल में थे, मंत्री से लेकर संतरी तक, सब पर पनिशमेंट होना चाहिए और इस्तीफे लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, देश की एकता और अखंडता की बात तो भारत का संविधान भी करता है, पर 10-15 साल के शासनकाल के बाद बीजेपी एक और नेक की बात करती है और भाषण हमेशा कैसे हम नफरत और घृणा और बंटवारा की बात करें वैसा करती है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सामने से अब इस तरह की बातें नहीं करती, पीछे के रास्ते से करती है। संविधान को भी तोड़ने की बात, कमज़ोर करने की बात सामने से नहीं करती, पीछे से करती है। तो नरेंद्र मोदी जी, देश के संविधान की मूल भावना ही देश की एकता और अखंडता है, भारत का भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा भी नरेंद्र मोदी जी को लगाना चाहिए, इस देश की नींव है। ये भारत का प्राचीन इतिहास, सभ्यता, जो हिंदू धर्म की मुख्य विचार है वसुधैव कुटुंब का, जो विश्व की शांति का, विश्व के कल्याण का, उसका भी तो जिक्र करे वो, ये अच्छा लगेगा। कल रात को मेरी बुधनी की आखिरी सभा थी, मैंने बिना माइक से उसको संबोधित किया, मेरे ट्विटर पे है वो,
बदलाव है भयंकर, अद्भुत, अकल्पनीय। विजयपुर में पहले भी कह चुका हूँ, केवल चुनाव लूटेगी बीजेपी सरकार और प्रशासन और पैसे से। तो आज से लेके 13 तारीख तक बुधनी के विजयपुर के मैं आसपास रहूँगा। 3 दिन 11 तारीख तक बुधनी में ही रहूँगा, विजयपुर में ही रहूँगा, और फिर उसके बाद शिवपुर में, सबलगढ़ में मेरा डेरा रहेगा। मैं किसी भी रूप में इस बार चुनाव कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लूटने नहीं देगा, और 50,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी विजयपुर विजय होगी।